तन्वी के जादुई चिप का मालिक मैं हूं, लेकिन क्यों और ये क्या है ये जादुई चिप? हैरान शौर्य ने खुद से सवाल किया। तभी उसे इनविजिबल रोबोट पंकज की आवाज सुनाई दी जो इतनी देर से चुप था लेकिन सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहा था। पंकज ने कहा, मिस्टर शौर्य, ये कोई मामूली चिप नहीं है। जहां तक मेरे एडवांस ब्रेन की नॉलेज है, ये चिप बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे समय से बहुत आगे है। इस वक्त पूरी धरती पर इससे ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली चिप कहीं नहीं है, इसीलिए इसका नाम जादुई चिप है। और ये भी मुमकिन है कि इसके अंदर सच में जादू हो। लेकिन ये चिप करती क्या है और ये मेरे किस काम की? शौर्य ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद इनविजिबल रोबोट पंकज ने कहा, आपके पिता मेजर विक्रम मेहरा बिल्कुल सही थे। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कभी ऐसा वक्त आया कि ये चिप मुझे उनके बेटे यानी आपको देनी पड़े तो आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे। तभी मेजर विक्रम मेहरा ने मुझे बता दिया था कि ये चिप आपके किस काम आएगी। शौर्य से अब सब्र नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जानना था कि वो इस जादुई चिप से क्या कर सकता था। असल में तो शौर्य बस ये सुनना चाहता था कि इस चिप के जरिए वो अपने पिता तक पहुंच सकता है या नहीं। शौर्य ने वहां देखा जहां से इनविजिबल रोबोट पंकज की आवाज आ रही थी और झुंझलाते हुए बोला, तो फटाफट बता दीजिए ना कि क्या काम करती है ये जादुई चिप। सॉरी मिस्टर शौर्य, मैं भूल गया था कि आप उतावले हैं, तो गौर से सुनिए मिस्टर शौर्य, ये जादुई चिप रोबोट डिजाइनिंग का काम करती है लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल पर और बहुत ही मैजिकल तरीके से। इस चिप को अपने सिस्टम में लगाकर आप किसी भी तरह का रोबोट बना सकते हैं मिस्टर शौर्य। इनविजिबल रोबोट पंकज आगे कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, क्या मैं इस चिप की मदद से रोबो सोल्जर्स को भी बना सकता हूँ? इनविजिबल रोबोट पंकज ने फौरन जवाब देते हुए कहा, बेशक आप बना सकते हैं। और रोबो सोल्जर्स को सिर्फ आप बना ही नहीं सकते, मार्केट में बेच भी सकते हैं। इस तरह तो आप बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं मिस्टर शौर्य। मुझे अमीर नहीं बनना, बस अपने पापा का लोन चुकाना है, अपनी माँ के घर को नीलाम होने से बचाना है, शौर्य ने मनी मन खुद से कहा। तभी शौर्य के मन में एक डाउट आया। उसने इनविजिबल रोबोट पंकज से कहा, मैंने तो कभी असली रोबोट डिजाइन किया ही नहीं है, ना ही मैं रोबोट डिजाइनिंग कॉलेज में गया हूं। मैं तो बस थ्योरी जानता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस चिप से सचमुच के रोबो सोल्जर्स को बना पाऊंगा। इनविजिबल रोबोट पंकज ने शौर्य को समझाते हुए कहा, मिस्टर शौर्य, आप भूल रहे हैं कि आपके हाथ में जो चिप है और जिसके आप मालिक हैं वो दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे ताकतवर रोबो मेकिंग चिप है। इसके जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा खुद मुझे भी नहीं। अब आप जाइए मिस्टर शौर्य, एक नया सफर आपका इंतजार कर रहा है। शौर्य रूम नंबर 7 के दरवाजे की तरफ चल दिया। शौर्य रूम से बाहर अपना कदम रखने ही वाला था कि तभी इनविजिबल रोबोट पंकज की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, एक बात का ख्याल रखिएगा मिस्टर शौर्य, बाहर की दुनिया में अगर किसी ने ये जान लिया कि ये जादुई चिप आपके पास है तो लोग आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए बाहर की दुनिया में अब से आप सतर्क और सावधान रहिएगा वरना आप नहीं रह पाएंगे सुरक्षित। शौर्य जादुई चिप को लेकर मन्नू के साथ फ्लावर एंड फायर कंपनी की बिल्डिंग से बाहर आ गया था। ओए, क्या मिला तुझे वहां? मन्नू ने बाहर आते ही पूछा। शौर्य मन्नू को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे 300 मिलियन गोल्ड कॉइन कमाने का रास्ता मिल गया मन्नू। रास्ता मिल गया? कैसा रास्ता यार? मन्नू ने हैरानी से पूछा। शौर्य मन्नू को रूम नंबर 7 और जादुई चिप के बारे में सब कुछ बता देना चाहता था लेकिन तभी उसने अपने चारों तरफ देखा और पता नहीं क्यों लेकिन शौर्य को ऐसा लगा कि आसपास खड़े सभी लोग बस उसी को घूर रहे हैं। शौर्य ने धीरे से मन्नू से कहा, पहले यहां से निकलते हैं मन्नू, मुझे यहां के लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। मन्नू ने इधर उधर देखा लेकिन उसे सब कुछ ठीक ही लगा। फिर भी शौर्य के मन की तसल्ली के लिए मन्नू ने बस इतना ही कहा,
ओए, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चल निकलते हैं यहां से। शौर्य और मन्नू अपने अड्डे पर वापस आ गए। इतने लंबे सफर ने मन्नू को थका दिया था। उसने कुर्सी में लगा हुआ हरा बटन दबाया तो टूटी हुई पुरानी कुर्सी फौरन ही एक शानदार आराम कुर्सी में बदल गई। मन्नू कूद कर उस कुर्सी पर लेट गया। शौर्य उसके बराबर लगी कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर शौर्य ने अपने बैग से वो लकड़ी का छोटा सा बॉक्स निकालकर मन्नू को दिखाते हुए कहा, देख मन्नू, ये मिला मुझे सेफ रूम से, पापा मेरे लिए छोड़कर गए हैं। मन्नू ने उस जादुई चिप को हाथ में लेकर देखा। फिर कुछ सोचते हुए मन्नू ने कहा, ओए, देखने में तो ये किसी नॉर्मल चिप जैसी लग रही है, लेकिन ये इस पर लिखा क्या है? चिप पर लिखे शब्द मन्नू नहीं पढ़ पाया। शौर्य को थोड़ी हैरानी हुई कि वो ये शब्द कैसे पढ़ पा रहा था। तभी उसे लगा कि शायद चिप का ऑनर ही अलग भाषा में लिखे इन शब्दों को पढ़ सकता है। मन्नू ने देखा कि शौर्य किसी ख्याल में गुम है। तभी उसने फिर से पूछा, ओए, ये इस पर लिखा क्या है? शौर्य ने मन्नू को चिप मिलने की सारी कहानी बता दी और आखिर में ये भी बताया कि चिप पर लिखा है, जादुई चिप मेड बाय कैप्टन वी। कैप्टन वी का नाम सुनते ही मन्नू अपनी आराम कुर्सी से उछल पड़ा और बोला, ओए, ये चिप कैप्टन वी की बनाई हुई है और पहले ये तेरे पापा के पास थी, लेकिन अब तू इसका मालिक है। फिर कुछ सोचकर मन्नू ने आगे कहा, तो अब आगे क्या प्लान है? तू इस जादुई चिप के साथ क्या करने वाला है? मैंने सोच लिया मन्नू कि मुझे क्या करना है, इस चिप के साथ भी और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी। मैं डीएनए एबिलिटी टेस्ट में रिजेक्ट हुआ और अब मैं कभी एक रोबो सोल्जर का पायलट नहीं बन सकता अपने पिता की तरह, लेकिन मैं इस जादुई चिप की मदद से रोबो सोल्जर्स तो बना ही सकता हूं। अब यही मेरा लक्ष्य है मन्नू, मैं रोबो सोल्जर्स को डिजाइन करूंगा जैसे माँ किया करती थी। और पापा ने जाने से पहले मुझसे यही तो कहा था कि अगर ये कभी नहीं समझ पाओ कि लाइफ में क्या बनना है तो सब कुछ भूल कर बस अपनी माँ के जैसा बनना। उनके कहे शब्दों का मतलब मुझे आज समझ में आ रहा है मन्नू, और अब मैं माँ के जैसा बनूंगा, एक रोबोट डिजाइनर और दुनिया का सबसे शानदार रोबो सोल्जर बनाऊंगा। शौर्य का यह फैसला सुनकर मन्नू बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा। उसने शौर्य से पूछा, लेकिन यार तू रोबो सोल्जर्स को डिजाइन कहां करेगा? मन्नू का सवाल सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया। ये तो उसने अभी तक सोचा ही नहीं था कि वो किस जगह पर यह काम शुरू करेगा। जगह के बारे में तो सोचना पड़ेगा मन्नू, क्योंकि मैं किसी को नहीं बता सकता इस चिप के बारे में, यहां तक कि घर पर भी नहीं, शौर्य ने कहा और वो कुछ सोचने लगा। तभी मन्नू ने भी अपना दिमाग दौड़ाने के बाद शौर्य से कहा, ओए, अगर अंकल तेरे लिए ये चिप छोड़ सकते हैं, तुझे इस जादुई चिप का मालिक बना सकते हैं, तो उन्होंने तेरे लिए कोई जगह या किसी स्पेस का इंतजाम भी जरूरी किया होगा। तू इस बारे में श्रीवल्ली से बात कर, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ यार मन्नू, तू सही कह रहा है, इस जादुई चिप को रिसीव करने का मैसेज भी श्रीवल्ली के पास ही आया था, पापा ने उसे जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। शौर्य ने कहा और श्रीवल्ली से फौरन बात करने के लिए घर चला गया। शौर्य उस जादुई चिप के साथ घर आ गया, लेकिन उसने ना अपनी माँ सुधा को और ना ही दादाजी को चिप के बारे में कुछ भी बताया। बिना किसी से कुछ कहे शौर्य चुपचाप अपने कमरे में चला आया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वो एकदम से चौंक पड़ा और फिर गुस्से में बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शौर्य के बेड पर चुपचाप बैठी हुई श्रीवल्ली मुस्कुराई और उसने धीरे से कहा, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी बाबा, मैं तो बस यहां बैठकर आपका इंतजार कर रही थी कि कब आप आए और मैं आपसे फ्लावर एंड फायर कंपनी के बारे में पूछूं। तो बताइए क्या मिला वहां, मेजर सर ने आपके लिए क्या छोड़ा था वहां? श्रीवल्ली के सवाल पर शौर्य चुपी रहा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह सका। वो श्रीवल्ली को जादुई चिप के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि श्रीवल्ली पर पापा को पूरा भरोसा था तो उसे भी श्रीवल्ली से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। श्रीवल्ली वैसे भी शौर्य के कहे झूठ को पकड़ लेती है, तो उसे सच बोलना ही सही लगा। शौर्य ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आकर बेड पर बैठ गया। फिर उसने अपने बैग से वही लकड़ी का छोटा सा बॉक्स निकाला और श्रीवल्ली के सामने रख दिया। श्रीवल्ली ने ध्यान से उस बॉक्स को देखा। बॉक्स के ऊपर की तरफ एक छोटा सा निशान बना हुआ था। शौर्य का ध्यान अभी तक उस निशान पर नहीं गया था, लेकिन श्रीवल्ली की नजर सबसे पहले उसी निशान पर पड़ी और वो फौरन बेड से उठ गई। शौर्य ने गौर किया कि श्रीवल्ली डरी हुई है। क्या हुआ श्रीवल्ली, तुम ठीक तो हो? तुम अचानक से उठ क्यों गई? शौर्य ने पूछा। ये निशान ये तो उसी का है।
शिवल्ली ने बॉक्स पर बने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सामने रखे बॉक्स को ध्यान से देखा तो शौर्य को भी बॉक्स के ऊपरी हिस्से में बना वो निशान दिखाई दिया। ये निशान तो सांप जैसा लग रहा है, शौर्य ने धीरे से कहा। तभी डरी हुई शिवल्ली ने झिझकते हुए कहा, ये सांप का निशान नहीं है बाबा, ये मौत का निशान है, एक प्राचीन निशान। इसे मौत के सौदागर अपने सिर की पगड़ी या अपनी कीमती चीजों के ऊपर बनाया करते थे ताकि कोई उन्हें छूने की हिम्मत भी ना करे। शिवल्ली की बात सुनकर शौर्य को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला, मौत के सौदागर? मौत के सौदागर असल में नहीं होते श्रीवल्ली, वो सिर्फ कहानियों में होते हैं। कुछ कहानियां सच होती हैं बाबा, आप इस बॉक्स को जहां से लाए हैं वहीं वापस दे आइए, श्रीवल्ली ने कहा। वापस दे आऊं? क्यों वापस दे आऊं? ये अब किसी और का नहीं, मेरा बॉक्स है और इसके अंदर कुछ नहीं बस एक चिप है और उस चिप का मालिक अब मैं हूं, शौर्य बोला और बॉक्स को वापस अपने बैग में रखने लगा। शिवल्ली ने फिर से झिझकते हुए कहा, बाबा आप माने या ना माने लेकिन सच यही है कि ये बॉक्स मौत के सौदागर का है और मौत का सौदागर अपनी चीज वापस लेने जरूर आता है। शौर्य जानता है कि शिवल्ली झूठ बोलना नहीं जानती। उसने मन ही मन सोचा, अगर श्रीवल्ली की बात सच है तो इसका मतलब ये कि कैप्टन वी मौत का सौदागर है और मेरी जान अब खतरे में है।